नमस्कार, आप सभी का हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है। दर्शक, मैं हूं हॉर्स राइडर हरि नारायण यादव और आप सभी देख रहे हैं वीडियो यूपी रेस चैनल के माध्यम से। आज आप सभी को इस वक्त यह वीडियो दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश बलिया जिला के अंतर्गत चितबड़ा गांव में यह प्रथम वर्ष घोड़ों को घोड़दौड़ प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला स्थान जो घोड़ा इस रेस में जीता हुआ है वो अपना प्रथम स्थान का पुरस्कार आप सभी को दिखा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं तो उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का यह घोड़ा आप देख रहे हैं, जो सवार अपने हाथ में शील्ड पुरस्कार लेकर आप सभी को दिखा रहा है, हम भी आप सभी को दिखा रहे हैं। यह घोड़ा है रामायण यादव का, देवरिया उत्तर प्रदेश का। यह घोड़ा इस रेस में प्रथम स्थान पुरस्कार अपना हासिल किया है और अपना मंजिल पाया है। आप आगे आप सभी को वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा अभी, और आगे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक ब्लैक घोड़े पर घोड़सवारी कर और अपने हाथ में पुरस्कार शील्ड लिए हुए हैं खैरुल बसर। यह घोड़ा है गाजीपुर जिला का, मोहम्मद मकसूद खान का, और खैरुल बसर इस घोड़े से दूसरा स्थान इस रेस में प्राप्त किए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं कि पूरे घोड़े के कमेटी इस घोड़े के साथ खड़ा हुआ है। और आगे आप देख रहे हैं कि तीसरा स्थान का पुरस्कार यह घोड़ा पाया है, सब्जा कलर का। यह घोड़ा है अरुण वर्मा, घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे हैं सवार लंठू, जो इस रेस में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि सभी घोड़े इस टर्निंग पॉइंट से छूट चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। एक से एक घोड़बाज इस घोड़सवारी में अपना भाग लिए थे और अपने कला का अनुभव आप सभी के बीच में दिखा रहे हैं अपने घोड़े पे। मैं आप सभी को बता दूं तो यह फाइनल की आप वीडियो देख रहे हैं, जो सभी राउंडों से दो दो घोड़े चुनकर और फाइनल में 8 घोड़े पहुंचाए गए थे और यह चक्र कराया गया, 4 राउंड का फाइनल कराया गया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सवार शैलेश यादव में और सवार निक्की में बहुत काफ़ी बिजोड़ मेहनत की टक्कर और मुकाबला चल रहा है। और मैं आपको बता दूं तो यह घोड़ा है जो आगे चल रहा है सुरंग कलर का, यह घोड़ा है मखनी मऊ जिला का, जो घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे हैं सवार शैलेश, और ये घोड़े मालिक का नाम है पंकज प्रधान। और पीछे घोड़ा चल रहा है आप देख रहे हैं देवरिया जिला का, जो इस वक्त अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, सवार शैलेश यादव को पीछे छोड़कर आगे की तरफ निकल गया। ये घोड़ा है देवरिया जिला का, उत्तर प्रदेश का, और घोड़े मालिक का नाम है रामायण यादव, घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे हैं निक्की। पीछे से आप देख रहे हैं कि सवार विकास यादव आ रहे हैं अजय सिंह साथ, बक्सर बिहार का घोड़ा लेकर, जो यह घोड़ा भी सुनने में आ रहा है कि नया नया आया है और इस नई रेस में अपना भाग लिया हुआ है और आप सभी को वो भी अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा घोड़ा चला और नया घोड़ा है, तालमेल की अभी थोड़ी पकड़ दूरी दिख रही है, धीरे धीरे आगे सेट हो जाएगा। घोड़ा अच्छा है, काम करेगा बहुत अच्छा, देखने में ऐसा अनुभव लग रहा है। तो पूरी तरह से यह रेस अच्छी कराई गई इस साल 2023 में, और उम्मीद है कि आगे की तरफ ऐसा ही अच्छी रेस होगी और बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ रेफरी द्वारा देखने के लिए निर्णय मिला। तो यह रेस आप सभी को कैसा लगा, हमारे वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन की घंटी होती है उसे भी ज़रूर दबाइए, तभी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहेगा और आप आसानी से हर एक वीडियो देखते रहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी बिजोड़ टक्कर एकदम लग गई है 3 सवारों में, जो आगे चल रहे हैं विकास सवार, पीछे लंठू सवार, और उनके पीछे देख रहे हैं कि आप सबसे पीछे से और आगे जा रहे हैं खैरुल बसर सवार। काफ़ी बिजोड़ मेहनत कर पीछे से आगे होना बहुत नामुमकिन हो जाता है, लेकिन बहुत काफ़ी बिजोड़ मेहनत किए मोहम्मद मकसूद खान के घोड़े से खैरुल बसर और अपना वह दूसरा स्थान प्राप्त किए इस रेस में। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से नज़ारा सभी घोड़ों को देखने के लिए मिलेगा, कौन घोड़ा कैसे आगे चलकर पीछे हो गया और कौन घोड़ा पीछे चलकर आगे हो गया। तो यह पहली सीजन की पहली बड़ी रेस आप सभी को चितबड़ा गाँव की दिखा रहा हूँ, जो आज यह रेस कराई गई 22 अक्टूबर 2023 को यह फाइनल रेस कराई गई, जो आप बलिया जिला उत्तर प्रदेश की यह रेस देख रहे हैं। उम्मीद है कि यह रेस आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोले चाप नहीं किया नीचे सवा ना होगा। ले गल बा।